हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से जॉन मॉक्सली के आने वाले मैच के अंदर करियर ऑन द लाइन होने वाला है, जिसके साथ हम जानने वाले हैं कि इस साल के GCW के इवेंट के ऊपर जाकर जॉन मॉक्सली ने क्या किया, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के फाइट फॉरएवर गेम की लॉन्च डेट क्या होने वाली है। फॉर्मर WWE सुपरस्टार यानी कि लाना ने हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया है कि वो हमें AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ब्रैकेट्स रिवील हो चुके हैं। और गाइस, ब्रॉक लेसनर की लुक अलाइक यानी कि पार्कर बुडरो के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के फाइट फॉरएवर गेम की और जानते हैं क्या हाल फिलहाल में इस गेम को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस गेम की लॉन्च डेट क्या होने वाली है। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो की है तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में इस गेम को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आए थे, जो कि हमने हमारे अपडेट्स वीडियो के अंदर कवर किए हैं। लेकिन गाइस, इस सब के साथ कल परसों 12 अगस्त को AEW कंपनी ने अपने इस वीडियो गेम को लेकर और भी कई सारे अपडेट शेयर किए हैं। और गाइस, सरप्राइजिंगली रिवील हो चुका है कि हमें ये गेम कब तक लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि ये गेम Xbox, PS4, PC और Nintendo इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आने वाला है। और गाइस, इन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म ने एक्सीडेंटली इस गेम की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। और गाइस, हाल ही में Nintendo ने अपने अपकमिंग गेम की लॉन्च डेट रिवील करते हुए AEW फाइट फॉरएवर गेम की लॉन्च डेट रिवील कर दी है। और यहाँ पर Nintendo ने बताया कि हमें ये वीडियो गेम February 2023 को लॉन्च होता हुआ दिखाई देने वाला है। जो देखा जाए तो गाइस, ये काफी बुरी अपडेट है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो गेम हमें इसी साल रिलीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइस, यहाँ पर Nintendo का कहना है कि ये गेम February 2023 को लॉन्च होने वाला है, जो कि करंट लॉन्च डेट के हिसाब से काफी आगे की लॉन्च डेट है। तो गाइस, इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, मुझे लग रहा है कि ओमेगा ने कहा था कि ये गेम इसी सितंबर को लॉन्च हो सकता है, तो प्रॉब्ली इसी सितंबर को लॉन्च होगा। और क्या पता Nintendo प्लेटफॉर्म के लिए ये गेम February 2023 के अंदर रिलीज हो। पर हमने पहले भी देखा है कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी गेम एक ही बार में रिलीज होता है। तो गाइस, अब देखना पड़ेगा कि ये गेम काफी लेट आ रहा है, तो इसको लेकर फैंस क्या कहते हैं। पर सच में ये रिलीज डेट देखकर तो मैं भी काफी नाराज हूँ, क्योंकि गाइस मैं काफी जल्दी वीडियो गेम खेलना चाहता था। गाइस, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर की लुक अलाइक यानी कि पार्कर बुडरो के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो की है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाल ही में AEW कंपनी रिसेंटली रिलीज WWE सुपरस्टार यानी कि पार्कर बुडरो को अपनी कंपनी अंदर ला रही है, जिन्हें हम सब लोग ब्रॉक लेसनर की लुक अलाइक के तौर पर जानते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर पार्कर बुडरो का डेब्यू मैच था, जो मैच पार्कर बुडरो ने जीत लिया है। लेकिन गाइस, इसी के साथ पार्कर बुडरो के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के ऊपर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि गाइस इस वीक रैम्पेज शो पर पार्कर बुडरो का मैच खत्म होने के बाद AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि पार्कर बुडरो ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और पार्कर बुडरो भी ऑल इलीट हो चुके हैं। जो देखा जाए तो पार्कर के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गाइस WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद अब AEW कंपनी अंदर पार्कर बुडरो अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लोग नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर कहते हैं। और गाइस, सच बताओ तो मुझे भी लग रहा है कि पार्कर बुडरो नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बन सकते हैं। उन्हें सिर्फ बढ़िया स्टोरी लाइन की जरूरत है, तो शायद उन्हें WWE कंपनी अंदर नहीं मिल रही थी, इसलिए देखना पड़ेगा कि अब AEW कंपनी अंदर आकर पार्कर बुडरो क्या करते हैं। पर गाइस, अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि पार्कर बुडरो का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है या फिर पार्कर बुडरो को AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। लेकिन गाइस, जैसी ये सब बातें रिवील होती है तो वैसी ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा। पर पार्कर बुडरो को उनके फ्यूचर के अंदर गुड लक विश कर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी की ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप के ब्रैकेट्स क्या है। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कि हाल ही में AEW कंपनी अपनी कंपनी अंदर ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स ला रही है, जहां पर फर्स्ट ईयर ट्रियोस टैग टीम चैंपियन क्राउन करने के लिए एक टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है, जिस टूर्नामेंट के अंदर सभी ट्रियोस पार्टिसिपेट करेंगे। और इस टूर्नामेंट का फाइनल्स इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू पर होगा, जहां पर फर्स्ट ईयर ट्रियोस टैग टीम चैंपियन क्राउन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गाइस, इस सब के बाद फाइनली AEW कंपनी ने ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए सभी ब्रैकेट्स रिवील कर दिए हैं। और गाइस, आप करंटली अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन से ट्रियोज होने वाले हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड में कौन से ट्रियो का मैच किस ट्रियो के खिलाफ होने वाला है।
और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि सब ब्रैकेट्स देखकर आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल्स कौन से सुपरस्टार्स के बीच में होगा। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं इस चीज को एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करना चाहता हूं। पर ब्रैकेट्स देखकर हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का फाइनल्स क्या हो सकता है, और मैं होप कर रहा हूं कि हमें इस टूर्नामेंट से बहुत ही बढ़िया फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस देखने को मिले। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि किस तरीके से फॉर्मर WWE सुपरस्टार लाना ये टीज कर रही है कि मिलाना प्रोबेबली AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकती है। तो गाइज अगर आप लाना को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लाना रूसे के साथ WWE कंपनी अंदर काम कर रही थी, लेकिन रूसे WWE कंपनी से रिलीज हो गए और अब रूसे AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और वो भी अपने नए नाम मीरो के अंडर। पर इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली लाना को भी WWE कंपनी से रिलीज कर दिया गया है, और लाना करंटली एक एक्टर और मॉडल के तौर पर काम कर रही है। लेकिन गाइज इसी के साथ अगर आपने इस वीक का डायमा शो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमा शो पर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट चल रहा था, जहां पर जूलिया हार्ट ने आकर मीरो को टच किया था। और यहां पर बात करते हुए मीरो ने कहा था कि मीरो को टच करने का अधिकार सिर्फ एक ही औरत को है, और जूलिया हार्ट औरत नहीं है, जो बातें मीरो ने यहां पर कही थी। और गाइज सरप्राइजिंगली इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए लाना या फिर सीजे पेरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि शायद लाना भी यहां पर अपने आप को मेंशन होता हुआ देख थोड़ी फार शॉक है। पर क्या पता यहाँ पर लाना ये टीज कर रही हो कि शायद हमें लाना काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गाइज मेरे हिसाब से लाना AEW कंपनी अंदर मीरो के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर बन सकती है। पर देखना पड़ेगा कि क्या टोनी खान लाना को AEW कंपनी अंदर लाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से लाना को AEW कंपनी अंदर आना चाहिए या नहीं। पर मेरे हिसाब से लाना को AEW कंपनी अंदर आना चाहिए, तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि इस साल के GCW के होमकमिंग इवेंट के ऊपर जाकर जॉन मॉक्सली ने क्या किया। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के मल्टीपल रेसलर AEW कंपनी के साथ काम करते करते बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग में भी काम कर सकते हैं, और इसी ही जॉन मॉक्सली GCW नाम के एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और हाल ही में GCW का एक शो हुआ था जिस शो के ऊपर जॉन मॉक्सली अपनी GCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। और गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली का मैच एफी नाम के रेसलर के खिलाफ हो रहा था, जो ऐसे रेसलर है जो कि थोड़े पर सेक्सुअल है, और इसीलिए अगर यहां पर हम बात करें जॉन मॉक्सली और एफी के इस मैच की, तो गाइज सरप्राइजिंगली ये मैच काफी सारे वियर्ड चीजों से भरा हुआ था। जैसे कि आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि एफी अपने घुटनों पर बैठकर जॉन मॉक्सली के सामने क्या करना चाहते थे। पर इसी के साथ इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ने स्मोकिंग करते करते एफी के ऊपर अटैक किया, जो देखा जाए तो इस मैच की काफी फनी मोमेंट थी। लेकिन गाइज इसी के साथ इस मैच के अंदर काफी वियर्ड मोमेंट तब आई जब जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर एफी को डायरेक्टली किस कर दिया, और भी करीब करीब एक मिनट तक, जो देखा जाए तो मैंने तो कभी जॉन मॉक्सली से एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर आप समझ सकते हैं कि मैच कितना वियर्ड मैच था। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में एफी को इस मैच के अंदर हराकर जॉन मॉक्सली ने अपनी GCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली है, और गाइज जॉन मॉक्सली स्टिल है GCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइज जॉन मॉक्सली का यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर काफी बड़ी चीज हुई कि यहाँ पर निक गेज आ गए, और यहाँ पर आकर निक गेज ने दोबारा से जॉन मॉक्सली को GCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने निक केज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर इस बार इस मैच के अंदर काफी बड़ी स्टिपुलेशन होने वाली है कि इस मैच के अंदर निक केज का करियर ऑन द लाइन होने वाला है, और जॉन मॉक्सली की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यह टाइटल वर्सेस करियर मैच है। और अगर मॉक्सली हारे तो मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप लूज कर जाएंगे, और अगर निक केज हारे तो निक केज का करियर खत्म हो जाएगा, जो देखा जाए तो इस रीमैच के लिए काफी बड़े स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है और ये मैच कब होता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जॉन मॉक्सली के इस मैच के ऊपर और इसी हरकतों के ऊपर आपका क्या कहना है। पर सच में मैं सब देखकर काफी सरप्राइज था। पर आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?